हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरा नाम अली है और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर। ये यूनिक फंडर शेयर का यूनिक कन्वर्टर सॉफ्टवेयर है और ये आपके सिस्टम में ज़रूर होना चाहिए। तो चलो गाइस, आपको बता दूँ इसके हम क्या क्या कर सकते हैं इसकी मदद से। गाइस, ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपनी वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, वीडियो को एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को बर्न कर सकते हैं डीवीडी में, यानी कि आपकी एक वीडियो पड़ी है सिस्टम में, आप उसे डीवीडी में पेस्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत इजीली सॉफ्टवेयर की मदद से आप कर सकते हैं। फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आईपैड आईफोन की जो फाइल्स एंड डाटा है उसको आप यूएसबी की मदद से अपने सिस्टम में बड़ी इजीली सिस्टम टू फ़ोन बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये है, इसमें बहुत से और डिफरेंट टूल्स हैं। तो चलें गाइस, आपको मैं बताता हूँ कि इसे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपने ये फ्री ट्रायल वर्जन आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसे आपने ओपन करना है और ये इसे आपने यस पे क्लिक करना है और ये थोड़ी देर में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस, हम इस वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर को ओपन करते हैं। ये ओपन हो रहा है और ये गाइस ओपन हो गया है। गाइस, इसमें आप वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को बर्न कर सकते हैं, यानी कि डीवीडी में जो अपनी वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आईफोन से डिफरेंट फॉर्मेट्स में, आप जो है ना इस वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें और बहुत से डिफरेंट टूल्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलें, सबसे पहले कन्वर्टर टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, यहां से आप अपने सिस्टम में जो फाइल आपके पास पड़ी है, वीडियो है, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं यहां पे क्लिक करने से भी, और यहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें, हम कोई वीडियो को इंपोर्ट करते हैं। मैं ये वाली वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। गाइस, ये इंपोर्ट हो चुकी है। इसका फाइल साइज़ 66 MB आ रहा है और इसका ये साइज़ है। हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी डिफरेंट फॉर्मेट्स में। तो गाइस, ये जो है ना, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स ओपन हो चुके हैं। एसटी में कोई भी आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और इधर आ जाएं तो हम अपनी वीडियो के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। ये आप YouTube में भी, अगर आपने YouTube में अपलोड करनी है तो YouTube वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करें। Facebook है, वीमो है, Instagram है, ये बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। तो चलें, मैं YouTube वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप जो स्नैप कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आप कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। गाइज, आप यहां से अपनी वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। आपने सॉफ्टवेयर ओपन करना है, आपने कोई भी वीडियो इसमें इंपोर्ट कर लेनी है। मैं ये वाली वीडियो इंपोर्ट कर सकता हूं। गाइज, यहां पे आपने क्लिक करना है, ये ट्रिम की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ट्रिम की मदद से आप यहां से अपनी वीडियो को कट लगा सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए तो मैंने इसे ट्रिम कर लिया। जस्ट आपने ओके पे क्लिक करना है और ये वीडियो आपकी ट्रिम हो जाएगी। और गाइस, यहाँ पे आते हैं क्रॉप की ऑप्शन पे, आप अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं जहाँ भी आपने करना है। और यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है ना, रेशो जो है या फुल स्क्रीन, कुछ भी आपको जितनी आपको ज़रूरत है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे इफ़ेक्ट पे आपने आना है और यहाँ से आपके पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है और इफ़ेक्ट इस पे आ जाएगा और यहाँ से आप इसे रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है तो आपने अपने YouTube से कोई भी, यानी कि YouTube से, Facebook से, आप कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने URL जो है ना कॉपी करके यूनिक कन्वर्टर में ला के इधर आपने पेस्ट करना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है और वो चीज़ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, वो वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी।
बहुत ही इजी है। यहाँ से गाइज आप अपना जो सा ना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें और आप जो सा ना अपनी सिस्टम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बर्न पे आ जाएं। इसकी मदद से आप अपनी जो वीडियोस हैं उनको आप डीवीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डीवीडी में पेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। इधर से आपने कोई वीडियो इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करने के बाद आपने अपनी डीवीडी का कस्टमाइज जो भी करके आप इधर से उसका फाइल आप 5 GB तक जो वीडियो को बर्न कर सकते हैं। इधर से हमारे पास डिफरेंट ये उनके फॉर्मेट्स हैं, यानी कि सारी वीडियोस आपने इंपोर्ट कर ली हैं डीवीडी में, और ये जो है डिफरेंट किस्म के जो है ना उनके थीम हैं, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो गाइज इधर आपने क्लिक करना है बर्न पे, तो आपकी जो सी वीडियो है ना वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रांसफ़र फाइल पे आए तो गाइज यहाँ पे आप अपने आईफोन से आईफोन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फ़ोन टू अदर फ़ोन बहुत इजीली। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, आपने यूएसबी जस्ट अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करनी है और ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप से यानी कि आप अपने सिस्टम से अपने फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो है जो भी है। आपने इन ऑप्शंस को फॉलो करना है, जैसे ही आप अपने आईफोन के साथ अपनी डाटा केबल को कनेक्ट करते हैं तो आपने बिल्ड नंबर और फिर डेवलपर मोड ऑप्शन को 5 दफ़ा क्लिक करना है, तो वो ऑप्शन और USB डबिंग ऑन हो जाएगी। तो आपने क्लिक करना है तो आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड और आईफोन में यानी कि दोनों में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत इजीली। और ये टूल बॉक्स है, इमेज आप यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट इमेज, यानी कि आपके पास कोई भी इमेज, मेरे पास ये वाली इमेज पड़ी, हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जे पैग है तो हम इसे PNG में करना चाहते हैं, तो बहुत इजीली आपने जस्ट कन्वर्ट पे क्लिक करना है तो ये आपकी इमेज उस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप में कर सकते हैं, बहुत सारे इजी ऑप्शंस हैं इसमें, आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये जिफ मेकर है, यानी कि आप इधर से इसमें ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं और ये 3-4 इमेजेस आप जो सी है ना हम पकड़ लेते हैं, डेस्कटॉप पे पड़ी थी इमेज जिफ इमेज, यानी कि उसको भी बना सकते हैं बहुत इजीली, जिफ मेकर है, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं इसमें। ये हम इसमें ना थोड़ी सी पिक्चर्स ऐड करते हैं और ये देखें क्रिएट अ जिफ, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज जिफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिक्स मीडिया मीटावेट वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं, अगर आपकी वीडियो कंप्रेस करना चाहते हैं, फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है, जस्ट आपने इधर से फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो हम इधर से कोई भी एक जो सी ना फाइल चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम ये वाली फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। ये फ़ाइल हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है, इधर इसका साइज़ आ रहा है 117 MB, ऑटो रेजोल्यूशन है, इधर से आप रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम क्वालिटी है, क्वालिटी प्रीव्यू कर सकते हैं, और यहाँ जैसे ही आपने कंप्रेस पे क्लिक करना है तो इस फाइल का साइज़ डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कॉस्ट टू TV है, इधर VR कन्वर्टर है, CD बर्नर है, CD, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। और ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप इसे बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स।